Hello everyone, welcome back to our channel Kashmir Food Fusion. Click on the subscribe button here to subscribe to our channel and press the bell icon button to remain updated. आज हम आपको सिखाएंगे आप घर पे फूलगोभी तो माँ कैसे बना सकते हैं फूलगोभी यानी कि कॉलीफ्लावर और उसको मीट के साथ कैसे टेस्टी बनाया जाता है हम आपको सिखाएंगे ये कश्मीर के हर एक घर में बनता है और ये बहुत ही एक अच्छा कश्मीरी टेस्ट आता है इसमें और हम आपको सिखाएंगे आप इसको बहुत ही सिंपल वे में कैसे बना सकते हैं आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा हमें अपना फ़ीडबैक सेंड कीजिएगा हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज कश्मीर फूड फ्यूजन पे तो चलिए पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं यहाँ पर हमने लिया है एक के जी किलो मटन मीट या माज हमने दो कॉलीफ्लावर या फुलगोभी लिए हैं इनको आपको प्रॉपरली अच्छे से क्लीन करना होता है आपको देखना होता है इनके अंदर तो नहीं कीड़ा है जो ये फ्लोरेट्स हैं फूल और ये तोड़ने होते हैं ये फूल ऐसे रहने चाहिए फिर हमने बाकी स्पाइसेस यूज़ किए हैं रेड चिली पाउडर लाल मिर्च वजल मच टर्मरिक पाउडर हल्दी लदर फेनल सीड पाउडर सौफ बदन सिनेमन स्टिक दालचीनी, ब्लैक कार्डमम बड़ी इलायची बुडल ग्रीन कार्डमम छोटी इलायची निचल क्लोज रॉन्ग हमने यूज़ किया इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट दग रुहन तो अदरक क्यूमिन सीड्स जीरा जो जिंजर पाउडर अदरक का पाउडर शोट सॉल्ट, नमक नून फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स धनिया लीव्स दानवल हमने कुकिंग की है पीर मस्टर्ड ऑयल में कशुर तड़का के लिए हमने यूज़ किया है एक प्याज़ एक टमाटर वन अनियन वन टमेटो सबसे पहले आप प्रेशर कुकर में पानी लेंगे और उसमें ये मीट ऐड कर देंगे सारा मीट ऐड करने के बाद हम इसको लिड ऊपर रखेंगे हम इसको बॉईल करने का वेट करेंगे हम इसको कम रूमू करना है इसलिए हम कुछ और ऐड नहीं करेंगे यहाँ से हमने दूसरे पैन में पानी रख दिया है उबलने के लिए उबल उबाल आने के बाद इसमें हम डाल देंगे एक छोटी चम्मच हल्दी का सो एक छोटी चम्मच हल्दी के बाद हम डाल देंगे एक छोटी चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट सॉल्ट एक छोटी चम्मच है एक चुटकी उसके बाद आप ऐड कर देंगे ये फुल गोभी ये फ्लोरेट्स इसमें जाएंगे बॉइलिंग वाटर में इससे इनकी बैड स्मेल ऑर्डर वग़ैरह चली जाती है ये क्लीन हो जाते हैं तो हम इसमें ये हल्दी वाले पानी में इनको उबालने के लिए रख देंगे तो पाँच मिनट के बाद हम इसको स्ट्रेन कर देंगे फिर पानी जो है वो फेंक देंगे और इसको ठंडे पानी से वॉश करेंगे फ्लोरेट्स को फूलगोभी को ठंडे पानी से वॉश करने से फ़र्दर कुकिंग स्टॉप हो जाएगी अगर हम फूलगोभी को डायरेक्टली फ़्राई करते हैं एक तो उनमें थोड़ी स्मेल रह जाती है और वो सकट जाते हैं श्रिंक हो जाते हैं कुकिंग के बाद इस तरीके से जब इनको ब्लांच करते हैं बॉयल करते हैं तो वो सकट नहीं जाते हैं कुकिंग के बाद और उनमें जो बैड ऑर्डर होता है या बाकी होता है जो भी गंदगी वह हो जाती है यहाँ पे आप देख सकते हैं इस काम जो है वो ऊपर आ चुका है ये देखिए ये हमें रिमूव करना है मटन स्टॉक से और मटन स्टॉक क्लीन हो जाएगा उसके बाद इसमें आप डाल देंगे एक बड़ी चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग फिर डाल देंगे दालचीनी की एक स्टिक दो बड़ी इलायची दो छोटी इलायची एक लौंग और लेट को क्लोज कर देंगे और दो विसल्स तक इसको कुक करेंगे मीट को आप फिर आप जो है इसका मीट को स्ट्रेन करेंगे मटन स्टॉक और ये मटन स्टॉक हमें री करना है इसलिए इसको अच्छे से रखेंगे आप संभाल के और मीट पी सेपरेट करके रख देंगे अब एक फ्राइंग पैन लेंगे और उसमें आप डाल देंगे मस्टर्ड ऑयल और हम स्मोक लीव होने के बाद जब ये गर्म हो जाएगा हम इसमें फुल गोभी ऐड कर देंगे जो हमने अभी वॉश किए थे ठंडे पानी से ये देखिए आपको यू हैव टू मेक श्योर कि जो ये फुल गोभी टूटे ना ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए बाय द एंड ऑफ द रेसिपी दे शुड बी इंटैक्ट वही एक फ़न है इसका कुक करने का सो so, आपको ये अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई करना है इनको ये देखिए हमने सारे निकाल के दिखा दिए हैं आपको अब प्रेशर कुकर में हमने तेल लिया है यही सेम उसमें डाल दिया है थोड़ा सा ज़ीरा एक छोटी चम्मच जीरा का क्यूमिन उसके बाद दो दालचीनी की स्टिक्स एक बड़ी इलायची दो छोटी इलायची दो लौंग इनको अच्छे से सौते करेंगे आप फिर इसमें जाएगा एक हमने जो दिखाया था आपको प्याज उसको अच्छे से फाइनली चॉप करेंगे वो डाल देंगे इसमें तो जब प्याज थोड़ा सा ब्राउन होना लगेगा तब हम इसमें फाइनली चॉप टमाटो जो हमने टमाटर दिखाया था स्टार्ट में वो ऐड कर देंगे ये देखिए अब आपको इनको अच्छे से प्रॉपरली फ्राई करना है टमाटर और प्याज को इसका तड़का ऐड करने से कोई भी वेजिटेबल या मीटो अच्छा टेस्ट हो जाता है अब हम इसको सॉल्ट ऐड करेंगे एक छोटी चम्मच और वेट करेंगे इनके गोल्डन ब्राउन होने का तो जब टमाटर और प्याज फ्राई हो चुके होंगे तब हम इसमें जो मीट था हमने निकाल के रख दिया वो ऐड कर देंगे और इसको भी फ्राई करेंगे हल्का सा देखिए आप मीट को हमने इन्हीं के साथ फ्राई किया है अब यकीन कीजिए ये बहुत ही अच्छा हो जाता है इस तरीके से कुक करने से अब हम इसमें लाल मिर्च ऐड करेंगे एक छोटी चम्मच अगर आप चाहते हैं कि, कि किसी भी डिश को आपको बहुत ही अच्छा रेड कलर आए तो आपको जो ये लाल मिर्च है ये तेल पे डालनी चाहिए उससे बहुत ही अच्छा ब्लैड रेड कलर आता है किसी भी डिश में कोई भी रेसिपी क्यों ना हो तो हमने इसमें मिर्ची ऐड कर दी तेल पर फ्राई की अब जाएगा इसमें एक छोटी चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट देखिए आप मिर्ची ने अपना कलर डाल दिया तेल में अब जाएगा इसमें जिंजर पाउडर एक छोटी चम्मच छोट एक छोटी चम्मच फैनल पाउडर सौंफ एक छोटी चम्मच टर्मरिक हल्दी यह हम बाक़ी स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं जब मिर्ची ने अपना कलर तेल में डाल दिया हो उसके बाद अब हल्का सा पानी डाल देंगे ताकि बाक़ी स्पाइसेस जो है वो जल ना जाएं इस तरीके से जब आप तेल पे स्पाइसेस को फ्राई करते हैं बहुत ही अच्छा कलर आता है और टेस्ट भी अब जाएगा इसमें मटन स्टॉक जो हमने निकाल के रख दिया था सेपरेटली मटन स्टॉक आपको उतना ऐड करना है कि मीट पीसेस कवर हो उसमें अब हम लिड को क्लोज कर देंगे और उतना कुक करेंगे कि 90 परसेंट तक मीट डन हो जाए ये देखिए आप स्टॉक रिड्यूस हो चुका है और मीट को आप चेक करेंगे कि ये सॉफ़्ट हो चुका होना चाहिए नाइन्टी परसेंट तक ये आप देख सकते हैं ये हाथ से टूट सकता है अब इसमें जाएगा फुल गोभी फुल गोभी हम एंड पे ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमें इसको स्टीम नहीं देनी होती कि प्रेशर कुकर में नहीं डालना होता है उसे टूट जाते हैं जैसा कि मैं पहले बोल चुकी हूँ मेन पर्पज़ होता है इनका कि दे शुड बी इंटैक्ट एंड तक तो इसीलिए हम इसको नई बसल दे रखते हैं प्रेशर कुकर को अब जाएगा चॉप्ड कोरिएंडर या धनिया और आप इसको आप लीड ऊपर से ऐसे ढक सकते हैं कवर कर सकते हैं लेकिन पूरा बंद नहीं करना है आपको विसल नहीं रखनी है किसी भी ढक्कन से आपको ढक के रखना है ताकि उसमें उबाल आए तकरीबन पाँच मिनट तक इसको उबालना है फुल गोभी एड करने के बाद उससे फुल गोभी भी सॉफ्ट हो जाएंगे कुक हो जाएंगे टेस्ट उनमें भी आ जाएगा और वो टूट भी नहीं जाएंगे और जो मीट सिर्फ नाइन्टी परसेंट हो गया था वो हंड्रेड परसेंट तक पूरा कुक हो जाएगा ये देखिए आप फुल गोभी जो है वो डन होंगे कुकड होंगे और वो टूट भी नहीं गए हैं देख सकते हैं आप कलर भी कितना अच्छा है और मीट भी डालने हैं एंड ये बहुत ही टेस्टी बनता है आप इस तरीके से ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा आई एम sure श्योर आपको बहुत पसंद आएगी सो so आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा हमें फ़ीडबैक सेंड कीजिएगा नीचे कमेंट्स में लिखिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिएगा और अगर आप चाहते हैं हम कुछ और आपके लिए नया बनाएँ तो वो भी नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा